हाय, मैं जंगल में कब से भटक रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आइए ना। आइए ना, बस पहुंच ही गए। बस जरा सा आगे आइए, आइए ना, आइए, बस यहाँ पहुंच गए, आइए। मैडम चले गए। ये बात है, फिर इशारा कर देती, शायद इतना दूर भी नहीं आना पड़ता। मैडम, 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 अक्सर सुनसान जगहों पर अलौकिक हादसे होते रहते हैं। इन हादसों से डर पैदा होता है, डर जो ना हमें जीने देता है और ना मरने। इसी डर से जन्मी है आज की यह कहानी। ये कहानी है आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र के खंडाला घाट की, जहां कहा जाता था कि अक्सर एक सुंदर सी लड़की को लिफ्ट मांगते देखा जाता था, लेकिन उसके बाद आज तक उन इंसानों का कुछ पता नहीं चला जिन्होंने लिफ्ट दिया था। ऐसा ही कुछ हुआ उन चार दोस्तों के साथ जो मुंबई से अपने एक दोस्त की बैचलर पार्टी मनाने खंडाला गए थे। ये पार्टी उनके लिए कितनी भयानक हो जाएगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सालों बाद मिल रहा। कॉलेज के दिनों में तो ऐसा लग रहा था जैसे कभी बिछड़ेंगे ही नहीं। हाँ यार, सच में वो दिन याद मत दिला। दिल चाहता है कि फिर से वो दिन वापस आ जाए। असलम मियां, अगर वो जिंदगी वापस नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम वो जिंदगी दोबारा तो जी सकते हैं। गुड आइडिया विनय। यस, वैसे भी नेक्स्ट वीक मेरी शादी होने वाली, उसके बाद ये सारी मस्तियों को हमेशा के लिए बाय बाय, इसलिए तो मैंने तुम सबको अपनी बैचलर्स पार्टी में बुलाया है। ये अच्छा किया तुमने। देखो भाई, मैं तो बैचलर हूँ और विनय और असलम तो बेचारे दोनों लाइसेंस वाले हो गए। एक काम करता हूँ, मैं मेरे और राहुल के लिए कुड़ियों को इंतजाम करता हूँ। जॉन, ये मुझे देख के लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ ना, बता इसको। जॉन तू अरे वाह, ऊपर वाला लगता है पे ज्यादा ही मेहरबान है। वो देखो, अबे एक क्या कर रहे हैं जॉन, संभाल के। अबे ये गाड़ी ठोक दी तूने यार, कोई लड़की थी वहां। कहां? अरे जॉन ये क्या कह रहा है यार? यार मैं सच कह रहा हूँ। अबे तूने ज्यादा पी रखी है। अरे भाई चढ़ गई, डैमेज हो गई यार कार। अरे जॉन ये क्या किया तूने? सॉरी सॉरी, मैं देखता हूँ। मेरे भाई अब ये सोचो कि हम खंडाला पहुंचेंगे कैसे। एक काम करते हैं, यहां से पैदल चलते, कोई ना कोई होटल जरूर मिल जाएगा। हाँ लेकिन ये गाड़ी का क्या करेंगे? और लगेज भी तो है अपना अंदर। हाँ राहुल सही कह रहा है, हम लोग पहले होटल ढूंढ लेते हैं। ऐसे मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे दारू चढ़ गई है, मैं गाड़ी लॉक करता हूँ।
चलो इस रास्ते से चलते। हाँ यार चलो चलो। भाई मेरी बॉटल। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस था। मैं उस रात खंडाला जाने वाली रोड पर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर, और उसी रात मुझे हेडक्वार्टर से वायरलेस पर मैसेज आया कि खंडाला से कुछ किलोमीटर पहले कोई बहुत भारी मुसीबत में, सो हमारे पीसीआर पेट्रोलिंग की बताई हुई जगह पर तहकीकात करने पहुंच गई। बहुत छानबीन की, बहुत तहकीकात की, मगर वो मुसीबत में फंसा हुआ इंसान तो नहीं मिला। हाँ, जंगल में पड़ा हुआ एक मोबाइल ज़रूर मिला, जिसकी कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग से हमें ये पता चला कि वो किसी जॉन नाम के लड़के का है, जो अपने दोस्तों के साथ खंडाला मज़ा करने जा रहा था। वो देखो, वो कुछ दिख रहा है, वो घर वहां चले। अरे यार, इस टूटे फूटे घर में रहेंगे क्या? हाँ यार, और जगह देखते ना यार, वहां से अजीब सी आवाजें आ रही। चलो चल के देखते हैं। चलो 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 आओ जाओ। ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही यार। चलो 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 यार। अरे लड़की यार, इतना क्या डर रहे हो? Excuse me, जी लगता है यहीं की रहने वाली है। हाँ। जी वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, आसपास कोई होटल वोटल है? यहाँ पास में ही एक मॉकटेल है, और मैं भी वहीं जा रही हूँ। अगर आप लोग चाहे तो तेरे पीछे पीछे आ सकते हैं। क्यों क्यों नहीं? क्यों नहीं? चलिए। आपका मोटेल। ये मोटेल बहुत जल्दी आ गया। नहीं? हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वैसे आप यहाँ तक आइए तो चलिए ना कुछ देर हमारे साथ मोटेल में, आप भी थक गई होगी। हाँ हाँ, चलिए एंजॉय करेंगे। हाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं साथ में। हाँ वैसे आप सिंगल है क्या? क्योंकि ये मेरी बैचलर्स पार्टी है, अगर आप आएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा।
हाँ चलिए। मोटेल हिल व्यू। नाइस यार। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है? आपने तो कहा था ना कि आप कुछ वक्त हमारे साथ। हाँ नहीं मुझे जाना होगा। ऐसे कैसे, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी बैचलर पार्टी अधूरी रह जाएगी। हाँ अब देखिए ना, आप हमें इतने शानदार मोटेल में ले आए, तो बाहर से इतना सुंदर है तो सोचो अंदर से कैसा होगा। हाँ। और यहाँ अकेले जाए आपको। अरे यही तो थी। अरे तुम लोग इतना क्या टेंशन ले रहे हो यार, डर के या शर्मा के भाग गई होगी। अरे एक भाग गई तो क्या हुआ, मैंने तुम लोगों के लिए। कोई है ही नहीं यहाँ पर। कोई है? हेलो। अरे कोई है नहीं यार, भूतिया जगह आ गए यार हम लोग। हेलो कोई है? कोई है? कहिए क्या काम आ सकता हूँ मैं आपके। सर एक्चुअली हमें ना चार रूम बुक करने हैं, और हाँ हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, क्या आप किसी को बुला के हमारा सामान वगैरह मंगवा सकते हैं? जी ये लीजिए रूम की चाबियां, आप अपने रूम में चलिए, मैं मैकेनिक को बुलाता हूँ। अच्छा सर वो कुछ लड़की वड़की का इंतजाम हो सकता है? हम लोग तो मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, प्लीज डोंट माइंड ना। अंदर। रूम कहाँ पर है? इधर। हाँ भाई कैसा है? अच्छा सुनना यार, वो तुझे बोला था ना चार लड़कियों का हो जाएगा? हाँ यार होटल तो बड़ा शानदार है, और सबसे फायदे की बात ये है कि यहाँ का जो केयरटेकर है वो अंधा है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग घर वाली ला दें कि बाहर वाली। मैं तुझे एड्रेस मैसेज करता हूँ। बाय बाय बाय। थैंक्स भाई। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, एक काम तो ठीक से कर नहीं सकता यार तू। यार अब मैं तुम लोगों को सॉरी तो बोल चुका हूं, और बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? उस बंदे ने बोला कि आज इंतजाम कर देगा, अब वो बोल रहा है कल होगा, तो उसमें मैं क्या करूं यार? लेकिन इसकी पार्टी तो आज थी। हाँ। और तूने तूने आज अरेंजमेंट करने के लिए बोला था। अगर तेरी वजह से मेरी बैचलर पार्टी खराब हुई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। देखो भाई उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मैं काम करता हूं, तुम लोग की तसल्ली के लिए उसे वापस एक बार ट्राई करता हूं, ठीक है? हाँ। स्विच ऑन। विनय विनय चल हम लोग अंदर चलते, साथ में बैठ के पियेंगे। हाँ यार मेरा भी मूड ऑफ हो गया, प्लीज चल यार इसके साथ नहीं बैठना है यार। नहीं बैठने का इसके साथ यार। मुझे आ रही है नींद, मैं चला सोने। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। So tired.
पता नहीं कौन मुझे परेशान कर रहा है यार। अब तो वहां बैठे थे, यहां कैसे आ गए? ये क्या हो रहा है? अरे कोई है? ये लाइट क्यों बंद चालू हो रही है भाई? कोई है? ओके। कौन है? कौन है? चढ़ गई मुझे। कौन है? कौन? विनय? You know, I'm missing you a lot. I'm missing you too. You know, ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की तुमसे दूर आके। काश तुम मेरे साथ होती। कोई बात नहीं, दो दिन बाद तो मैं वापस आ ही रही हूँ मुंबई। अभी इसको क्या हो गया? एक मिनट रुक। ओके, ये आवाज कहां से आई? कौन है भाई? कौन है? Thank you.
कौन है वहां? कौन है? रुक! कौन है? जॉन? उसके दोस्तों को ढूंढते ढूंढते हम जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गए और सामने हमें एक मोटल दिखा। उस मोटल पे एक पुराना सा बड़ा सा बोर्ड टंगा था, हिलव्यू। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये मोटल कई सालों से बंद पड़ा था। छानबीन के दौरान उस मोटल में हमको एक सरकटी लाश मिली और मिला एक मोबाइल। उस मोबाइल से चेक करने पर हमें पता चला कि शायद मरने वाले का नाम राहुल था। कोई है? मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो प्लीज। अरे सुनिए तो, आने जा रही हो मुझे? अरे रुको तो सही, कोई है? मेरी मदद करो। हेलो, जॉन, विनय, जॉन, कौन है? कौन है? नहीं जा रही हूं। अब हम लोग नहीं बचेंगे यार, तुझे पता है? वो लड़की इंसान नहीं है यार। हाँ? वो बुद्धि है क्या? हाँ, उसने तुझे पता है राहुल को भी मार डाला यार। मैंने राहुल की सरकटी लाश देखी नीचे यार। हाँ? और पता है किसी ने मुझे भी मारने की कोशिश की। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं यार, हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। हाँ? इतनी जल्दी उसे कैसे निकल जाना चाहिए? हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। ये भूत क्या मोटर है? चल चल यहाँ से भागते। भाग!
भाग मेरे, मेरे भाग, भाग। बाकी बचे हुए दोस्तों को ढूंढने हम जंगल में निकल पड़े और छानबीन के दौरान वही हुआ जिसका हमें डर था। जंगल में हमें एक और सरकटी लाश मिली। उसका वॉलेट और उसका ड्राइविंग लाइसेंस देख के हमें ये पता चला कि मरने वाले का नाम विनय था। इन सरकटी लाशों को और इस सरकटी लाशों के सिलसिले को देखकर हम ये तो समझ ही गए थे ये काम किसी एक इंसान का नहीं। पुलिस को फोन करता हूं। हेलो सर, प्लीज किसी तरह हमारी मदद के लिए पहुंचे। हम यहाँ जंगल में भूतों के बीच फंस गए। पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और ऐसे में एक लड़की मेरे पास वाले मोटर पे ले जाती, लेकिन वो लड़की नहीं कोई भूत थी। बचाओ, बचाओ! वो बुद्धे वाले पीछे भाग। अरे अरे अरे, मैंने यहाँ गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो यहीं पार्क की थी। इतना जल्दी लेट कौन जा सकता है यहाँ से? अब कुछ नहीं हो सकता विनय, हम लोग नहीं बचेंगे यार, हम लोग नहीं बचेंगे, हम लोग मर जाएंगे यार। अरे यार तू खड़ा हो यार, राहुल मर चुका है और वो हमारे पीछे पड़ी है, तू खड़ा हो यहाँ से, चल भागो। मिले वो लड़की जो मैं मोटर तक ले गई थी, वो लड़की ने भूत है। आप पता है यार, तुझे पता है उसने ना राहुल को ही मार डाला यार। क्या कर रहा हूँ, अब हम लोग भी नहीं बचेंगे यार। चलो यार यहाँ से निकलते हैं, इसलिए होगा। वो गाड़ी जा रही है, रुको रुको। रुको, घर का चले गए। मैं अब नहीं कर सकता यार। अरे उठ, हम सब मर जाएंगे। अरे कोई नहीं मरेगा, उठ, हिम्मत मत हार, चल चल विनय। नहीं होगा, कौन मुझसे नहीं भागा जाता। अरे कुछ नहीं होगा, कहाँ फंस गए यार हम लोग। विनय, 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 उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। विनय, विनय, विनय,
मिले, कहाँ चला गया? मिले जंगल में असलम और जॉन को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे। हमारे दिलों में ये डर सता रहा था कि उनके साथ भी यही ना हुआ हो जो बाकी दोनों के साथ हुआ, और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। हमें असलम की भी सरकटी लाश बुरी दुर्दशा में जंगल में मिली। तुम लोग बचा लो मुझे, थैंक गॉड तुम लोग सब जिंदा हो। जल्दी निकलो यहां से, क्या बहुत खतरा है, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगी। जाओ यहां से, तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहते हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम जानना चाहते हो मैं तुम लोगों को क्यों मार रही हूं? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मुझे मारा था। साल पहले की बात है, हम गरीब थे, मैं अपने बाबा के साथ रहती थी। हमारे पास उस घर के सिवाय और कुछ नहीं था। हमने सोचा क्यों ना इस घर को मोटेल में बदल दिया जाए। हमने बहुत मेहनत की और उस मोटेल को बनाया, और फिर एक दिन वो दो बदमाश मुझे रास्ते में मिले। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हेलो जी। हेलो जी, हम लोग यहाँ रहने के लिए मोटल ढूंढ रहे हैं, आप हमारी मदद कर सकती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पास में ही एक बहुत अच्छा मोटेल है और उसके रेट्स भी काफी रीजनेबल है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को वहाँ लेके चल सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, आइए आप। प्लीज जी, प्लीज बैठिए ना। मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें अपने मोटेल में ले जाऊँ, मैं तो बिजनेस के हिसाब से सोच रही थी। लेकिन वो लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अच्छा मॉडल है। हमें आपकी जगह बहुत पसंद आई, और अगर आप चाहें तो हम आपको एक हफ्ते का किराया भी दे सकते हैं। बाबा, आप हमारे पहले कस्टमर हैं, हमें खुशी हुई कि आपको हमारी जगह पसंद आई, हम आपका स्वागत करते हैं। हीरे। हाँ
बोल यार, शबाब बिना शराब में मजा नहीं आता। जरा नजर उठाकर तो देख। यस। शबाब भी है या? यस, ये मोटेल हिलव्यू है या? जी जी बिल्कुल, अभी नया नया ओपन हुआ है। जी जी, थैंक यू सो मच जी, जरूर विजिट करिए। ओके थैंक यू। सर आप लोगों को कुछ चाहिए? ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्या बदतमीजी है ये, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आप लोगों का? छोड़ो मुझे बाबा, हटो बाबा, 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 बाबा। ए, ए, छोड़ो उसे, ये क्या बाबा? ए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। ए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। छोड़ो मेरे बाबा को, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लोगों ने मेरी बाबा की आंखें फोड़ दी और मेरी इज्जत लूट ली। तुम लोगों ने मेरे बाबा को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मेरी की रानी, तेरा बाप तो अंधा हो गया, अब तेरी इज्जत लूटते हुए कौन देखेगा? कहाँ ये क्या किया तूने? मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मर गए। उन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया, मेरी गर्दन काट दी, मार दिया मुझे। बेटा मोहिनी, बेटा मोहिनी, चल चल स्टार्ट कर, जल्दी कर यार, जल्दी निकल यहां से। क्या हुआ? इसलिए उस दिन के बाद मैंने ठान ली कि जो इस तरह की सोच रखते हैं मैं उन लोगों को छोड़ूंगी, मार दूंगी उन लोगों को। और अब तुम्हारा भी वही हाल होगा, मरना होगा तुम्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो, मरना होगा। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज प्लीज। इन चारों दोस्तों की मौत बड़े ही विभत्स तरीके से हुई थी और हम सारे ये सोच सोच के परेशान थे कि इनके मौत के पीछे की वजह क्या है, किसने मारा है इनको। मगर हमारी सारी तफ्तीश, हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन
सारे सुरागों और उन सभी लड़कों की कॉल डिटेल से हमको इतना तो पता चला, वो सारे दोस्त किसी एक लड़की के साथ उसी मोटल में बैचलर्स पार्टी की रंगरलियां मनाने गए थे। अब लोग तो ये कहते हैं कि ये लड़की कोई जिंदा लड़की ना होकर उस मोटल मालिक की बेटी की आत्मा है, जो बहुत साल पहले अपने बाप के ही साथ इसी मोटल में बड़े अजीबोगरीब ढंग से मरी हुई पाई गई। और वो लोग ये भी कहते हैं कि यही आत्मा मनचले लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ रंगरलियां मनाने उस मोटल में जाती है, मगर उनके सरों को उनके धड़ से अलग करके गायब हो जाती है। आत्माएं ज्यादातर सुनसान इलाकों में रहती हैं। ये आत्माएं जितना अलग थलग रहती हैं उतनी ज्यादा इनकी शक्ति बढ़ती है, इसलिए इन्हें आबादी वाले इलाके ज्यादा पसंद नहीं आते। ये आत्माएं ज्यादातर हमें उस रूप में देखने को मिलती हैं जिस रूप में इनकी मृत्यु हुई हो, और कई बार ये रूप बहुत ज्यादा भयानक और विभत्स होता है, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। जैसे किसी व्यक्ति की कार दुर्घटना में मृत्यु हुई और उस व्यक्ति की आत्मा समय जंजाल में फंस के रह गई है, ये आत्मा हर कार चलाने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेती है। कोशिश करें किसी को अकारण अपना दुश्मन न बनाएं, जीवन के मूल्य को पहचानें, सुरक्षित रहें।